हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। नए हैं दोस्तों मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज अपने पास आया है मैक्सी पिकअप, जिसको अपन डेंट पेंट काम करेंगे। तो ये पूरी तरीक़े से देख सकते हो आप, जंग लगा हुआ है गाड़ी में, रस्टिंग से पूरा लेस हो गया है गाड़ी। टॉप भी इसका पूरा सड़ गया है, तो टॉप भी अपन नया डालेंगे और बम्फर नया डालेंगे इसमें। तो ये अपना डेंटिंग का काम कर रहा है अपना डेंटर, आप देख सकते हो। इधर बाकी डेंटिंग हो चुका है, आपको दिखा देता हूँ। ये अपन टॉप काट के निकाल चुके हैं। तो इधर जहाँ जहाँ पे सड़ा था वहाँ वहाँ पे लगा दिए हैं, पेचिंग किए हैं, चद्दर नए डाले हैं। इधर भी आप देख सकते हो फेसिया सामने शो में। तो बाकी जगह में पेचिंग का काम तो हो चुका है, और ये अपना अभी टॉप का काम बचा हुआ है। तो टॉप इसमें लगाएंगे अपन। तो देख सकते हो टॉप खुला हुआ है, अभी काट के बाहर किए हैं। तो इसको नया लगाएंगे अपन। तो ये इसको बनाना है डीजे रखने के लिए, जो डीजे चलाते हैं उसका गाड़ी है ये, इसमें रखेगा जनरेटर। तो जो इसका ओरिजिनल जो डाला बॉडी आता है वो ओरिजिनल ही रखना है। जो एक्स्ट्रा चद्दर इसमें जो डाला में लगाया हुआ है उसको अपन काट के निकाल देंगे, ताकि कि इसको पूरा अगर ऊपर तक अगर अपन डाला में देते हैं चद्दर, तो जो जनरेटर रखेगा तो जनरेटर में फिर हवा नहीं लगेगा। तो इसी कारण से उसको ये बाकी एंगल लगा हुआ है, आप देख सकते हो साइड साइड में। और चद्दर जो था एक्स्ट्रा लगा हुआ था, लगाए थे, उसको अपन निकाल दिए हैं। तो ये अपन केबिन में काम कर रहे हैं, आप देख सकते हो पुट्टी उट्टी काम तो हो चुका है। तो अपना केबिन में काम चालू हो गया है, पहले केबिन करेंगे उसके बाद डाला का काम करेंगे। तो अपना पुट्टी काट के अपन इसमें बेस लगा रहे हैं। तो इसमें क्या है, बेस मारने के बाद फिर इसमें अपन चेक पुट्टी डालेंगे पूरी गाड़ी में, जहाँ लगेगा वहाँ पे, क्योंकि पूरा गाड़ी स्क्रेचेस था। तो ये अपन चेक पुट्टी डाल चुके हैं, अब इसको वाटर पेपर से 600 नंबर 320 से घिसाई करेंगे और पूरी बॉडी को रफ करेंगे, फिर इसमें अपन कलर चढ़ाएंगे दो कोट। तो ये अपना कलर का काम चालू हो गया है, सिंगल कोट लगा रहे हैं अभी कलर, फिर उसके बाद इसमें एक कोट और कलर मारेंगे फाइनल कलर। तो अपना कलर का काम हो रहा है। कस्टमर का कहना है कि मेरे को बुकिंग ले रखा हूँ, मेरे को जल्दी गाड़ी चाहिए। तो हमने बोला भाई आप बुकिंग ले रखे हो ठीक बात है, काम अच्छी तरीके से करने दो, समय लगेगा काम में। तो आप एक काम करो, आप एक बुकिंग पहले भी बुकिंग में आप किराया में लेके चला रहे थे, अभी भी ले लो किराया में दो दिन के लिए, क्या होगा, काम तो अच्छे से हो जाएगा ना गाड़ी का। तो कस्टमर बोलता है नहीं आप दो दिन में मेरे को करके दे दो, बाकी डाला को बाद में आके करना। तो ये अपना तो फास्ट काम कर रहे हैं अपन। तो ये अपना पेंट का काम हो चुका है, ये फिटिंग का काम चालू है। तो ये सामने कांच उच लगा चुके हैं, और इधर बाकी अंदर में जो कुछ है अपना बंदा काम कर रहा है, उसमें पेड उड लगा रहा है गेट का, सीट उट लगाना है अभी, फिर उसके बाद गाड़ी को दे देंगे, डाला बाद में आके कराएगा कस्टमर बोला। तो फिटिंग हो जाने का बाद भी उसके बाद कस्टमर बोलता है अब मेरा बुकिंग हो गया है, अब डाला को भी पेंट मार दो। तो ये अपन डाला का काम कर रहे हैं, आप देख सकते हो ग्राइंडर कर रहे हैं इसको। क्या है कि ग्राइंडर से घिसाई करने से जो भी जंग लगा है वो पापड़ी पापड़ी है वो निकल जाएगा अच्छी तरीके से, और हाथ से भी घिसेंगे तो उतना नहीं निकल पाएगा। तो इसमें क्या है, अच्छे से जो भी जंग लगा है वो निकल जाएगा, बहुत हद तक निकलेगा, पूरा तो नहीं निकलेगा। तो इसलिए अपन ग्राइंडर से इसको घिसाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैं हेलमेट पहन के ग्राइंडिंग कर रहा हूँ इसको। क्या है कि इसमें का जो छटकता है ना वो आँख उख में लग जाता है, इसलिए सेफ्टी के लिए मैं हेलमेट लगा लिया हूँ। उसके बाद इसको डाला को ग्राइंडिंग कर रहा हूँ। कोई भी अगर ऐसा ग्राइंडिंग करे तो हेलमेट उलमेट लगा के ही करें, क्योंकि ये छटकता है इसमें,
तो आँख उख में चोट लग जाएगा, दिक्कत है। तो इसलिए सेफ्टी ज़रूरी है पहले, अगर इस तरह से काम करें तो। तो ये अपना घिसाई का काम बाहर बाहर का हो चुका है, ये अंदर का जो है नीचे नीचे का अपना बंदा घिस रहा है उसको। घिसाई करने के बाद फिर इसमें अपन कलर चढ़ाएंगे डायरेक्ट। तो ये अपन कलर लगा रहे हैं एक कोट इसमें, तो अपना मिस्त्री जी मार रहा है कलर। तो ये एक कोट कलर मारने के बाद फिर इसको एक आध घंटा के लिए छोड़ेंगे, फिर इसमें फाइनल कलर लगाएंगे अपन। तो इस गाड़ी में कस्टमर ने जल्दबाजी में काम तो करा लिया, पर काम सही ढंग से नहीं हो पाया जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि मैं इस काम से मेरे को अच्छा नहीं लगा इस तरह से काम करने में। मतलब कहें तो अपनी पसंद का मतलब काम नहीं हो पाया, अपन जो करके देना चाहते थे कस्टमर को उस टाइप से अपने को काम करने को मौका नहीं दिया कस्टमर ने। हमेशा कस्टमर जल्दबाजी में था कि मेरा बुकिंग है बुकिंग है, आखिर काम हो गया फिर भी गाड़ी नहीं गया, कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इस काम में थोड़ा से अपने को मज़ा नहीं आया करने में। काम करने का मतलब है कि अब भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे को भी तो कि हाँ लगे कि मैं काम किया हूँ कुछ, मेरे को भी अच्छा लगे देखने में। पर कस्टमर के चक्कर में काम में मज़ा नहीं आया। तो आप देख सकते हो गाड़ी का ये लुक है, फिर भी बहुत अच्छा दिख रहा है गाड़ी, गाड़ी में कोई कमी नहीं, पर और बेहतर होता है अगर समय देता तो। नहीं समय देने की वजह से इस टाइप से हुआ है, पर और बेहतरीन होता। इसमें हम भी और कुछ अच्छे से इसको काम करते हैं, कहीं कहीं पे पुट्टी छू लगाते अच्छे से, डेंट करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नई गाड़ी।